हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमर्जन क्लासेस। दिस इज सोनू भागवतिया हियर। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज का हमारा फोर्थ क्लास का टॉपिक है नाउन एज अ नंबर, नाउन एज अ जेंडर एंड नाउन एज अ पोजेसिव। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो लेक्चर में अबाउट नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सभी को हम डिटेल में अपने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो नाउन एज अ नंबर, नाउन एज अ जेंडर एंड नाउन एज अ पोजेसिव। तो पहला टॉपिक हमारा होता है नाउन एज अ नंबर। ये हमारा टू पार्ट में डिवाइडेड है, ओके, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, लाइक काउंट, जिनको हम काउंट कर सके, जिनको हम गिन सके, वो हमारा काउंटेबल नाउन में आता है। इसकी डिफाइन देखते हैं, दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन सके, जिनको हम गिन सके, काउंट कर सके, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन जो होता है ये हमारा टू सब पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेकेंड वन इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मीन्स हिंदी में हम इसको एक वचन कहते हैं और प्लूरल को हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की डिफाइन होती है, इट डिनोट जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और अ थिंग। ये सिर्फ एक क्रिएचर या फिर एक जगह या एक ही वस्तु को डिनोट करता है, बताता है, जिसमें सिर्फ एक की बात की जा रही है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आता है। फॉर एग्जाम्पल रैट, रैट क्या है यहाँ पे, चूहा। इट मीन सिर्फ एक रैट की बात की जा रही है, हमारे रैट्स नहीं है, ऐसे नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ एक ही की बात की जा रही है, सिंगुलर की बात की जा रही है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आता है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, इट जस्ट डिनोट मोर देन वन क्रिएचर, प्लेस और अ थिंग। ये मोर देन वन क्रिएचर, प्लेस और अ थिंग को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा था रैट, यहाँ हमारा हो जाता है रैट्स, एस लगा दिया गया है। जो प्लूरल्स होते हैं ज्यादातर उसमें हम एस लगाते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हम अपने न्यू वीडियो में आगे आपको शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको जानना है जो प्लूरल्स होते हैं उसमें ज्यादातर हम एस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों ही चीज हमारी काउंटेबल नाउन में आती है। अब हम देखते हैं नंबर का सेकेंड पार्ट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्योंकि अभी हमने देखा था जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो हमारा काउंटेबल नाउन है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब इसकी हम डिफाइन देखते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड टर्म्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, दैट कैन नॉट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव, हेट, हैप्पीनेस एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। हैप्पीनेस, लव, क्या हम इस चीज को काउंट कर सकते हैं, हम इस चीज को काउंट नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टॉपिक लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा जेंडर। जेंडर को हिंदी में हम लिंग कहते हैं। इसकी डिफाइन है यहाँ पे, जेंडर इज अ टर्म यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल और अ फीमेल। जेंडर यानी कि लिंग, जो मेल और फीमेल में अंतर बताए, मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करे, उसको हम जेंडर कहते हैं। इसके हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमारा यहाँ मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग, सेकेंड इज फेमिनाइन स्त्रीलिंग, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल, जिसको हम हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। ये तीनों ही टाइप हमारे जेंडर के होते हैं। अब इसको हम थोड़ा इलैबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। जेंडर का जो फर्स्ट टाइप है वो होता है मैस्कुलाइन, जिसको हिंदी में हम पुल्लिंग भी कहते हैं। इसकी डिफाइन यहाँ पे है, इट डिनोट्स अ मेल कैटेगरी। इट डिनोट्स अ मेल कैटेगरी, जो मेल कैटेगरीज में आते हैं वो हमारा मैस्कुलाइन कहलाते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, बॉय, अंकल, ब्रदर, सन, टाइगर, एक्टर, फादर एक्सेट्रा, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। जेंडर का सेकेंड टाइप होता है फेमिनाइन, जिसको हिंदी में हम स्त्रीलिंग भी कहते हैं।
इसकी डिफाइन यहाँ पे है, इट डिनोट्स अ फीमेल, जो फीमेल को डिनोट करता है वो हमारा फेमिनाइन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं गर्ल, आंट, सिस्टर, डॉटर, टाइगर्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिनाइन. ये सारे एग्जाम्पल्स फेमिनाइन के होंगे, क्यों? क्योंकि ये फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. जो भी हमें फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. जेंडर का थर्ड टाइप होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर, जिसको हिंदी में हम नपुंसकलिंग भी कहते हैं. इसकी डिफाइन पे अगर गौर करते हैं तो डिफाइन हमें क्या बता रही है, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. अब इसके एग्जाम्पल भी जो समझते हैं, बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कार, बाइक एक्सेट्रा, ये सारी ही चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं. यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो हमारी न्यूट्रल जेंडर कहलाती है, यानी कि नपुंसकलिंग कहलाती है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक. थर्ड टॉपिक है हमारा पोजेसिव नाउन. पोजेसिव नाउन की डिफाइन देखते हैं, अ नाउन दैट शोज ओनरशिप और अ रिलेशनशिप इज अ पोजेसिव नाउन. यानी कि जो हमें ओनर बता रही है, कि मालिक बता रही है कि वो चीज किससे बिलोंग करती है, उस वस्तु का मालिक कौन है, रिलेशनशिप बता रही है, तो वो हमारा पोजेसिव नाउन कहलाता है. ठीक है, इसका हम सेकंड फीचर देखते हैं. सेकंड फीचर है हमारा अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन शोज समथिंग बिलोंगिंग टू समवन. अगेन, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि वो जो थिंग है वो किससे बिलोंग करती है, उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है, तो वो हमारा पोजेसिव नाउन होगा. ओके, इसका थर्ड फीचर देखते हैं. यहाँ पे वी मेक यूज ऑफ एन अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन. यहाँ पे जो आपको साइन दिख रहा है ये साइन होता है अपोस्ट्रोफी का, जो यूज किया जाता है हमारा पोजेसिव नाउन में. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हमें यहाँ बता रहा है, दिस इज टॉम्स हैट. टॉम्स हैट यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि वो टॉम की हैट है. दिस इज निकीज कैट, निकीज वो निकी की कैट है. This is Natasha's, Natasha's book, okay? This is Rahul's pen, यानी कि जहाँ पर apostrophe लग के s लग जाता है, that shows position, वो position show करती है. तो these are the example of possessive noun. Hope so आपको आज का हमारा video अच्छा लगा होगा. इससे related worksheet हमने आपकी website पे upload कर दी है, आप वहाँ पे check करिए, उसको solve करिए. उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.